खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहने वाली शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज बनकर नहीं रह गई। बिग बॉस 13 के बाद से उनकी लोकप्रियता घर घर में ऐसी बढ़ गई कि वो अब तक बरकरार है। शहनाज आज कई अच्छे प्रोजेक्ट्स और ब्रांड का हिस्सा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इन दिनों शहनाज की अपकमिंग फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को लेकर की चर्चा बनी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस इस फिल्म के प्रमोशन इवेंट में पहुंची, जहां उन्होंने कई चीजों पर बात की। इस दौरान शहनाज ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल पर बात करते हुए एक हैरान करने वाली सच्चाई बताई है। एक्ट्रेस ने बताया कि अगर इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो अपने फिगर को मेंटेन करना जरूरी होता है। वो आगे कहती हैं कि अगर मैं यहाँ काम नहीं कर रही होती तो मैं वही मोटी वाली शहनाज गिल होती। शहनाज ने कहा कि हाल ही में उन्हें एक ऐसे किरदार का ऑफर आया था जिसके लिए उन्हें वेट गेन करना था, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने हाथ जोड़ लिया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ भी करवा लें, लेकिन दोबारा मोटा होने के लिए मत कहना। मुझे पता है मैंने अपना मोटापा कैसे कम किया है, अब मुझसे ये नहीं होगा। इतने पर ही शहनाज नहीं रुकी, वो आगे कहती हैं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं हैं, वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्या फायदा ऐसी लाइफ का जहां आप खुलकर खाना भी नहीं खा सकते। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मोटा पतला कुछ नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके साथ ही थैंक यू फॉर कमिंग शहनाज गिल की दूसरी बॉलीवुड मूवी है। आपको बता दें कि फिल्म में उनके अलावा भूमि पडनेकर, कुशा कपिला और डॉली सिंह भी हैं। करण भुलानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शोभा कपूर, अनिल कपूर, एकता कपूर और रिया कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।